For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. यानी कभी कभी होता है कि मार्केट नहीं चलने की सूरत में, ऐसी सूरत में आदमी जो है, यानी मार्केट कैसे हो, मीडिया के जरिए से मैं लोगों के सामने कैसा हूँ, मेरी शोहरत कैसे हो, ये इस तरीके से भी चाहता है और ये गलत शोहरत है। गलत शोहरत के लिए जो है समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल इंसानियत का, हम सबसे पहले किसी मजहब से पहले हम इंसान हैं, समझे ना, और इंसानों में इसकी यूनिटी को तोड़ना यानी ये बहुत बड़ा जुर्म है, समझे ना, यानी हमारी आपसी एकता, जैसे हिंदुस्तान की एकता है, एकता को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। समाज के अंदर यानी किसी को कत्ल कर देने से ज़्यादा बुरा फसाद है। यानी मैंने कत्ल किया, ये जाती हुआ, लेकिन समाज में फसाद बरपा हुआ, तो फसाद की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों का सर फूटा, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, यानी एक यानी बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, जाति मैटर में आदमी का जाति नुकसान होता है, लेकिन फसाद में सारे ही लोग, जिसमें मासूम भी आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता, ऐसे लोग भी यानी इसकी वजह से जो है यानी नुकसान में पड़ते हैं। लिहाजा ऐसी बातें जो किसी समाज को नुकसान पहुँचाए और समाज इश्तियाल हो और समाज में पैदा हो, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे उन्होंने ये कहा था कि मुझे अजान से प्रॉब्लम है, मुझे उन्होंने हुजूर के बारे में भी कहा था कि हुजूर के वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो इसीलिए लोग अजान बजा रहे, और गुंडागर्दी का नाम दिया था। फिर जब लोगों ने उन्हें गाली देना शुरू किया तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे मुस्लिम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अजान से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लाउड स्पीकर पर जो बजती है उससे प्रॉब्लम है मुझे। एक्चुअल क्या है, देखो स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर ये असल में आवाज़ के पहुँचाने के लिए है, यानी मुस्लिम्स के लिए है। जैसा वो कबीरदास ने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद ले वो बनाए, हाँ, तो यानी ता पर उल मुल्ला भाग दे का बहरा हुआ खुदा है, तो खुदा बहरा नहीं है। इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये चार मौजूद हैं, पांचवा प्रेजेंट है वो, जो इस कायनात का, जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो हम सबके साथ है, तो उसको ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि इस वक्त जो मुस्लिम्स को बुलाया जाता है, यानी बेदार किया जाता है कि भाई जो जिस्मानी तुम्हें नेमत दी गई है, जो जिस्मानी नेमत दी गई है, पार्ट्स जो है, यानी इसका शुक्रिया ज़रूरी है, लिहाजा तुम जो है यानी एक इबादत की तरफ आओ, तो इबादत की तरफ आओ का मतलब अगर धीरे से यानी चार घर तक भी आवाज़ नहीं गई और इलाका बड़ा है, कम से कम 1-1 किलोमीटर का है, तो ऐसी सूरत में स्पीकर की ज़रूरत है कि ताकि आवाज़ को पहुंचाया जाए। अब कोई इस पर ऑब्जेक्शन करे तो ऑब्जेक्शन करे तो मैंने पहले ही बात कहा कि क्रास जो है ये समाज नहीं चलेगा, क्रास समाज को तोड़ देगा। आप बोलेंगे कि हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम बोलेंगे हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो ठीक है आप करते रहो, हम पढ़ते रहें, लेकिन बोलेंगे हम तुमको नमाज़ नहीं पढ़ देंगे, वो बोलेगा हम तुमको मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे, ये ऐसा समाज चलेगा नहीं, ऐसा समाज सत्यानाश हो जाएगा। सिंगर है सोनू निगम, तो उन्होंने ना अजान के ऊपर कुछ तो कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि ये जो सुबह में फजर की अजान होती है तो वो बोलते हैं कि मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन मुझे ज़बरदस्ती उठ जाना पड़ता है, कि आप क्यों ऐसे ज़बरदस्ती लोगों को उठाते हो सुबह में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? काहे को सुबह में ज़बरदस्ती काहे को उठा रहे ले? वो तो अजान हो रही है, 5-2 मिनट लगती है। नहीं, वो बोल रहा है कि ये मुस्लिम लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये तो गलत बात है ना, आज से हो रहा है, हाँ, ये तो कई वर्षों से हो रहा है ना, तो आज काहे को उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे ले? और उसने ये तक कहा है कि जो अपने मोहम्मद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो बोलता है कि उनके वक्त पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो अचानक से अजान कहाँ से आ गई, ये इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट कर रहे हो आप और ज़बरदस्ती। ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो क्या अजान तो होएगी ना फजर में, अजान थोड़ी बंद होएगी, उसको बोला चाहिए कि आप अपने, हाँ, ये का को दखल अंदाज कर रहे हैं फिर। और जब उसकी ख़राब हो रही है, हाँ, मस्जिद के बाजू में घर रखा है, हाँ, सब तो 5 ही बजे उठते हैं, 5-5:30 बजे की अजान है, तो उसमें उसको क्या की तकलीफ हो रही है? तो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना होती है, तो बंद कर देते जब अजान होती है, तो मतलब हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, कोई ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी है। अभी तुम लोग घंटी बजाते तो उसके भी लिए तो तकलीफ होती ना, हाँ, तो वो तो नहीं हम लोग बोलते कभी, तो फिर उसको क्यों बोलने का? हम लोग तो ना कभी इस पे अलग मजहब अपना अपना है, तो जबरदस्ती कर रहा है ना वो, उसको तकलीफ हो रही है तो जाके कहीं जंगल में बसने का, तकलीफ हो रही तो नहीं रहने का ना, उधर जगह जगह पे तो नहीं है मस्जिद, बहुत दूर दूर पे है, तो जब उसको तकलीफ है तो उधर से छोड़ के हट जाने का। थैंक यू आंटी।